50 रुपया तो हो गया। दिख गया ब्रो, ब्रो दिख गया। अभी हम हैं मैक्लोडगंज, अभी हम झरना देख के आए जो मैक्लोडगंज से अराउंड 1.5 किलोमीटर है। और अभी हम लोग हिमाचली मार्केट में और जितनी वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, मॉन्यूमेंट वगैरह, सोवेनियर, वो यहाँ पे। And there we go again, walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world, riding on the road. अभी डिसाइड हुआ कहाँ पे जाना है और इन लोग की पैदल चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, चल नहीं पाते, मतलब नहीं चाहते कि चलना पड़े, कार में घूमते रहो, करते रहो, और उसमें कुछ खास है नहीं, दिखाते कैसे। छोटा सा लेक, ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छा है नहीं, मेरे फिर भी घर से तो अच्छा ही है। मछलियों से भरा हुआ है पूरा, ये देखो अचानक से सजा। मेन जो मार्केट है मैक्लोडगंज, वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है, 5 मिनट लगेगा। हाँ 5 मिनट लगेगा, रोड बिल्कुल सही है, लेकिन जो ढलान है वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे स्लोप, सीधा खड़े खड़े स्लोप है बिल्कुल। तो यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, तो अब यहाँ से यहाँ निकलते ही, तो सब चल रहे हैं भाई, शुद्ध पवित्र पवित्र। अरे लेक कैसा भी था तुम्हारा, तुम तो इतना खूबसूरत हो। वही तो जहाँ पे खड़े रहते वही को बिल्कुल। और अभी हम जा रहे हैं नदी व्यू पॉइंट, नदी नहीं नदी, डल लेक से अराउंड 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर। बढ़िया 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 बढ़िया। और अभी हम लोग आ गए नदी व्यू पॉइंट, सामने से व्यू आ रहा है, शायद यहाँ से थोड़ा और आगे पीछे कहीं चल के जाना है, भाई पूछ रहे हैं तो कहाँ पे जाना है, और ये पीछे व्यू। देखते हैं कि यहाँ पे बगल में एक योगा मेडिटेशन कैंप है, यहाँ पे दुकानें वगैरह हैं, यहाँ पे कार नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे मैं पैदल जा रहा हूँ। यहाँ पे भी रास्ते में दुकान वगैरह है, जैसे उस वहाँ पे था, उस वाले हम लोग झरने के पास गए थे। तो और ये कुत्ता है जिसके बहुत बड़े बड़े फर हैं, अभी लोग गाड़ी में डिस्कस कर रहे थे कि इसका बड़ा बड़ा बाल क्यों, तो अमन बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है इसलिए यहाँ पे। देवराज भाई बोले कि अपने यहाँ पे ठंडा होता है, अपने यहाँ के कुत्तों का बाल बड़ा बड़ा क्यों नहीं होता है, उनके हिसाब से अपने तरफ ठंडी नहीं होता है इसीलिए, यहाँ पे बर्फ उसके बाल में गिर जाता है इसलिए बड़ा हो जाता है, ये अमन का। यहाँ पे एक हाथ से नहीं दिखेगा टेलीस्कोप है, जिससे वो जो ऊपर पहाड़ है वहाँ पे गुना देवी और जो झरना वगैरह है वो यहाँ से देखते हैं, 10 रुपीज़ पर पर्सन, तभी वो देखते हैं। कितना लगेगा? 10 लगेगा ना, 5 आदमी। देखिए मंदिर पहले 50 में 5 को नहीं दिखेगा, 50 रुपया तो हो गया। अच्छा मतलब 25। अरे वाह वाह, 25 मंदिर दिख रहा है, कतई कैलकुलेशन एकदम, इतना छोटा सा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मंदिर हट रहे देखो ना, मंदिर हम लोग इसी में फोटो लगाए हुए हैं, कहां से सामने तो दिख नहीं रहा, पर टेबल सेट को देखते चलिए, एंगल चेंज करता चलता हूं। अरे एक एक करके देखेंगे ना, देखिए मंदिर, चलो हां देखा भाई, रुक तो दिख गया ब्रो, ब्रो दिख गया, एक सेकंड एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा, दिख रहा दिख रहा, ये रहा मंदिर, वहाँ पे वो रहा दिख रहा, यहाँ से दिख रहा है बट बहुत छोटा है, वो रहा वो वहाँ पे है, और ये इसमें दिख रहा है। वहाँ पे जाने का रास्ता कहाँ से है? अच्छा गाड़ी भी जाती है क्या? नहीं नहीं पैदल, गाड़ी सिर्फ वहाँ तक जाएगी। वहाँ से कितना किलोमीटर होगा पैदल? 4 किलोमीटर। और ये देख सकते एकदम ये एंड पॉइंट है पहाड़ का, झरना दिखा रहा मेरे को भी, सुसाइड पॉइंट कहाँ है, कौन सा वो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है ना, अच्छा झरना दिख गया दिख गया, सेल्फी लेने ये रहा झरना, इतना आसान नहीं था दिखाना बट फिर भी दिखा दिया, एकदम छोटा सा चेहरा था और कैमरे से मतलब बिल्कुल मुश्किल था। ये है सुसाइड पॉइंट जहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ से सुसाइड कर। All is well. Photo with bum chair per rupees 10 per person. Memories all around, tears are flowing down. It's time to say goodbye. So all these colors, flavors, cultures, and to jump on that train. It's true, I realized when my family's all around. Finally found the place I call home.
वॉज द व्यू पॉइंट और डल लेक भी दिखा दिया। और ये व्यू पॉइंट है पीछे अपने व्यू पॉइंट। और अभी हम जाने वाले थे वहाँ पे मेडिटेशन वाला एक क्लासेस वगैरह होती है वहाँ पे जाने वाले थे, बट वो बंद है। तो अभी यहाँ से डिसाइड में भी धर्मशाला स्टेडियम जाएंगे हम। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। टू नो गॉड यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट। और एक और नहीं एक ये, और ये अच्छा सा व्यू। तो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो मेक श्योर द लाइक बटन, और पुरानी वीडियोस देख जाके चैनल पे देख लो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में धर्मशाला वाली वीडियो में। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।